हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद इतिमन। आज हम पढ़ने वाले हैं नाडोल के चौहान, और ये पाली जिले में आकर जो है अपना राज्य स्थापित करते हैं। इनकी कुल देवी जो है वो कौन रही हैं? आशापुरा माता। यहाँ पर हम केवल वही महत्वपूर्ण फैक्ट याद रखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे, ठीक है? तो जो नाडोल के जो चौहान थे, शाकंभरी से निकलने वाली ये सबसे प्राचीन शाखा मानी जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है, और बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइन है ये, ठीक है? नाडोल के चौहान जो हैं, तो संस्थापक किसे माना जाता है, जनक किसे माना जाता है, आदि पुरुष माना जाता है लक्ष्मण सिंह को। लक्ष्मण सिंह जो हैं, इनको संस्थापक माना जाता है नाडोल के चौहानों का। और इसके बाद इनका पुत्र जो आएगा, पहले हम सिक्वेंस देखेंगे कि कौन सा शासक किसके बाद आ रहा है। तो लक्ष्मण सिंह के बाद जो है वो महाराव शोही आते हैं। तो आपने हाल ही में एग्जाम देखा तो उसमें सीक्वेंस ही पूछ लिया गया है, ठीक है? महाराव शोही के बाद जो है आते हैं राव बली राज। नाडोल के शासकों में महाराव शोही के बाद आते हैं राव बली राज आते हैं, ठीक है? उसके बाद आते हैं विग्रह राज। एक विग्रह राज जिनके बारे में हमने जब पढ़ा था, वीसल देव जिनको कहा जाता है, ये वो नहीं है। ये विग्रह राज, इनका तो बहुत ही कम समय रहा है नाडोल के चौहानों में। विग्रह राज के बाद जो शासक आएंगे वो आएंगे महेंद्रपाल, ठीक है? उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं अहिल, शासक अहिल के बारे में पढ़ेंगे। अहिल के बारे में इंपॉर्टेंट लाइन क्या रहेगी, इनके बारे में आपको ये याद रखना है कि इनके समय में 1025 ईस्वी में जो है महमूद गजनबी आता है और सोमनाथ पर आक्रमण करता है। तो नाडोल के जो चौहान हैं अहिल, तो ये भी जो है महमूद गजनबी पर आक्रमण करते हैं 1025 ईस्वी में, ठीक है? अहिल के बाद जो शासक आएंगे वो हैं बाला प्रसाद। तो अहिल जो हैं, इन्हीं के जो बेटे हैं बाला प्रसाद, ठीक है? उसके बाद जो हैं आएंगे आह्लड़ देव। कौन आएंगे? आह्लड़ देव चौहान आएंगे। और फिर जो अंतिम शासक आते हैं कीर्तिपाल, जिनके बारे में आप जानते भी हो, नाम भी सुनते हो, कीर्तिपाल जिनको कीतु एक महान राजा की जो है पदवी भी दी गई है, इनको एक कीतु एक महान राजपूत भी कहा गया है। और इनको किसने कहा है? नैन्सी ने ये चीज़ कही है। और ये जो कीर्तिपाल चौहान है, ये जालौर जो है और शिवाना जो है इसको जीतेंगे, और जालौर में जाकर जो है चौहान वंश की नींव रखेंगे। तो स्टार्टिंग से एंड तक जो शासक हैं, इस सीक्वेंस ध्यान में रखें। संस्थापक कौन है नाडोल के चौहान के? लक्ष्मण सिंह है। इनका जो बेटा है उत्तराधिकारी महाराव शोही आता है, उसके बाद राव बली राज आता है, ठीक है? उसके बाद जो है राव बली राज जो है, तो ये गुजरात के जो चालुक्य थे उनके साथ जो है इनकी मित्रता बहुत थी राव बली राज की। फिर विग्रह राज, इनके बारे में तो आपको ध्यान नहीं रखना है, बस सीक्वेंस में याद रखना है, इनके बारे में कोई भी खास बात नहीं रहेगी। महेंद्रपाल जो आएंगे, तो महेंद्रपाल के बारे में एक दो पॉइंट हम देखेंगे। अहिल के बारे में तो ध्यान रखना है, 1025 में सोमनाथ पर जो है वो आक्रमण करने आता है महमूद गजनबी, तो उसकी सेना पर ये आक्रमण करते हैं अहिल राज, ठीक है? फिर बाला प्रसाद आते हैं, उसके बाद जो है बाला प्रसाद के बाद जो शासक हैं वह हैं आह्लड़। आह्लड़ के बाद अंतिम शासक नाडोल के चौहानों के रहे हैं कीर्तिपाल, जिनको नैन्सी जो है वो कीतु एक महान राजा कहते हैं, और यही कीर्तिपाल जो हैं जालौर में जाकर जो है नींव रखते हैं चौहानों की, ठीक है? 1181 ईस्वी में। तो ये ओवरव्यू था जो आपको ध्यान में रखना है। तो नाडोल के चौहान जो है, इनकी देवी भी आशापुरा माता है, और जालौर में जाके नींव रख रहे हैं कीर्तिपाल चौहान, तो इनकी देवी भी आशापुरा माता ही रहेंगी। तो देखिए, नाडोल के चौहानों के जो संस्थापक हैं वो कौन है? लक्ष्मण सिंह है, जिनको लाखड़सी चौहान भी कहा जाता है, ठीक है? लाखड़सी चौहान ने नाडोल के चौहानों की नींव रखी है। नाम याद रखना है, कब रखी है? 960 ईस्वी में चावड़ा राजपूतों से स्वतंत्र होकर चौहान वंश की नींव इन्होंने रखी है। इनके पिता का नाम था वाकपति राज प्रथम, और लक्ष्मण सिंह ने अपने बड़े पुत्र आशा राव की स्मृति में आबड़ा नामक तालाब बनवाया था। इंपॉर्टेंट लाइन ध्यान में रखिएगा, लक्ष्मण सिंह जो हैं जिन्होंने नाडोल के चौहान की नींव रखी है, इनके जो बड़े पुत्र रहे हैं आशा राव, तो इनकी स्मृति में इन्होंने आबड़ा नामक तालाब बनवाया था। लक्ष्मण सिंह अपने भाई सिंह राज के राज्य को छोड़कर नाडोल कहाँ है? पाली में जाकर अपना राज्य स्थापित करते हैं और वहां पर किले का निर्माण करवाते हैं। नाडोल के लोगों को मेर या मेद,
लोगों के अत्याचारों से ये सुरक्षित करवाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है संस्थापक कौन है, लक्ष्मण सिंह है। नेक्स्ट देखिए, इनके पुत्र हैं महाराव शोही, जिनको शोभित नाम से भी हम जानते हैं। इन्होंने भीनमाल शासक मान परमार को पराजित किया और भीनमाल पर अधिकार किया। तो महाराव जो शोही हैं, ये भीनमाल के शासक मान परमार को पराजित करते हैं और भीनमाल पर अपना अधिकार कर लेते हैं। तो धीरे धीरे नाडोल के चौहान जो हैं उनकी शक्ति बढ़ जाती है। इनकी मृत्यु जो है वो 1024 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट शासक राव बलिराज हैं, मालवा के परमार शासक मुंज को इन्होंने पराजित किया था। तो देखिए, धीरे धीरे भीनमाल को जो अपने कब्जे में लिया, उसके बाद जो है वो मालवा मालवा पर अधिकार किया। तो मालवा के परमार शासक मुंज को पराजित किया, सुंदा अभिलेख के अनुसार हमें ये मिलता है। ठीक है, कौन सा अभिलेख बताता है, सुंदा अभिलेख बताता है कि मालवा के परमार शासक मुंज को राव बलिराज, जो कि नाडोल के शासक थे, इन्होंने पराजित किया था। और गुजरात के जो चालुक्य थे, इनके साथ इनके जो है वो मैत्रीपूर्ण संबंध भी रहे थे। ठीक है, अगला देखिए विग्रहराज। तो मैंने आपको इनके बारे में बताया कि विग्रहराज के काम जो है वो कुछ खास नहीं रहे हैं, बहुत कम समय का शासन इन्होंने किया था। लेकिन आप जो सीक्वेंस में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि सीक्वेंस में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। महेंद्रपाल जो है, इनके द्वारा अपनी बहन का स्वयंवर किया गया और इसका उल्लेख जैन विद्वान हेमाचार्य सूरी द्वारा रचित दयाश्रय काव्य में मिलता है। ये इंपॉर्टेंट शासक क्यों है, इनके बारे में जो है ये तो नहीं पूछा जाएगा कि इन्होंने अपनी बहन का स्वयंवर करवाया था। पूछा क्या जाएगा कि जैन विद्वान हेमाचार्य सूरी, ठीक है, इनके समय में इन्होंने जो रचना की दयाश्रय काव्य की, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये चीज जो है वो आपको कहीं भी ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। जो भी पॉइंट यहाँ पर लिखवाए जा रहे हैं इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्स्ट्रा चीज मैं बिल्कुल भी नहीं आप लोगों को नोट डाउन करवाऊंगी जो कि आपके एग्जाम में नहीं आए। ठीक है, ध्यान रखिए, जैन विद्वान हेमाचार्य सूरी जो है किनके समय के शासनकाल के समय है, महेंद्रपाल। ठीक है, तो इन्होंने जो है दयाश्रय काव्य लिखा और इसमें इन्होंने बताया कि जो महेंद्रपाल है, इन्होंने अपनी बहन का स्वयंवर जो है वो रचाया था। अगले शासक देखिए अहिल। अहिल के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि इनके समय में जो है 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने। तो इन्होंने भी जो है उस पर आक्रमण किया था, जब सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने के लिए महमूद गजनवी जा रहा था। और साथ में जो है गुजरात गुजरात में ही है सोमनाथ मंदिर, यहाँ के शासक भीमदेव प्रथम जो थे उस समय, तो इनको भी पराजित किया था अहिल ने। मालवा शासक भोज के सेनापति को मारा, और यह भी हमें कहां से मिलता है, सुंदा अभिलेख से मिलता है। ठीक है, तो ये चीज जो है वो इंपॉर्टेंट है। अहिल जो है, हम देखते हैं कि सबसे पहले जो शासक लक्ष्मण सिंह है, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट शासक रहेंगे वो अहिल ही रहेंगे, नाडोल के चौहान, जहां से प्रश्न जो है वो एग्जाम में आ जाता है। नेक्स्ट देखिए बाला प्रसाद। बाला प्रसाद, इनके उत्तराधिकारी पृथ्वीपाल ने गुजरात शासक कर्ण को हराया था। अगला देखें आहलड़ देव चौहान। आहलड़ देव चौहान जो है जैन धर्म के प्रभाव से हर माह की अष्टमी, एकादशी और चतुर्दशी के दिन जीव हत्या पर इन्होंने रोक लगाई थी। तो जैन धर्म जो है इससे प्रभावित तो बहुत अधिक हुए थे ये, और उल्लंघन करने वाले को प्राण दंड का आदेश भी जारी किया था कि जो जीव हत्या करे की रोक लगाई गई है, यदि उसका उल्लंघन कोई करता है तो उसको क्या दिया जाएगा, प्राण दंड का आदेश दिया जाएगा। और ये बात हमें कहाँ से पता लगती है, ये बात हमें किराड़ू का लेख जो कहाँ का है, बाड़मेर का है, इससे मिलती है। अल्हड़ की जो हत्या है वो किसने की थी, विग्रहराज चतुर ने की थी। ठीक है, विग्रहराज चतुर के बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, जिनको विशल देव कहा जाता है। तो विशल देव के द्वारा जो है अल्हड़ की हत्या कर दी गई थी। अंतिम शासक जो है कीर्तिपाल, जिनको कीतु के नाम से भी जाना जाता है, तो इसने किराटकूप, किराड़ू के राजा आमल को मारा। कहाँ पर है ये, बाड़मेर में है। और 12वीं शताब्दी में जालौर में चौहान वंश की नींव रखी। ठीक है, 1181 ईस्वी में जालौर में जाके ये स्थापना करते हैं जालौर के चौहानों की। कौन, कीर्तिपाल चौहान। ठीक है, तो ध्यान रखना है इनके पिता का नाम क्या है, कीर्तिपाल चौहान के पिता का नाम है आलड़ चौहान। ठीक है, जो कि नाडोल के चौहान है। और जालौर के चौहान वंश की जो स्थापना है 1181 ईस्वी में कीर्तिपाल चौहान के द्वारा की जाती है। तो मैंने आपको ये भी बताया कि इनको जो है नैन्सी ने कीतु एक महान राजा या कीतु एक महान राजपूत कहा।
ठीक है, जो कि जालौर के चौहानों में जाकर जो है वो हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो ये जो कीतु हैं, कीर्तिपाल जो हैं, इन्होंने परमारों से जालौर और शिवाना को जीता था। ठीक है, तो याद रखना है कि जालौर और शिवाना, इसको इन्होंने जो है विजयी किया था। किससे विजयी किया था? परमारों से, परमारों को हराया था और फिर जालौर और शिवाना पर कब्जा किया था। ठीक है, कीर्तिपाल चौहान के बाद जो है, जालौर की जब हम बात करेंगे तब हम देखेंगे कीर्तिपाल चौहान के बाद जो है समर सिंह शासक जो है इम्पोर्टेंट रहेंगे, कानड़ देव रहेंगे, जिनके साथ अलाउद्दीन खिलजी का युद्ध होता है। तो ये जो नाडोल के चौहान थे, कहाँ के थे? पाली जिले के थे। इनकी जो कुल देवी थी, याद रखिएगा, मैं आप लोगों को रिवाइज करवा देती हूँ, आशापुरा माता इनकी देवी रही हैं, और शाकंभरी की सबसे पुरानी जो है ये शाखा रही है, निकलने वाली चौहानों की सबसे प्राचीन शाखा रही है नाडोल के चौहान। संस्थापक याद रखें लक्ष्मण सिंह हैं, और उसके बाद जो अहिल शासक हैं इनके बारे में याद रखना है कि महमूद गजनबी आया था इनके समय में। ठीक है, आलर देव चौहान के बारे में याद रखना है कि जैन धर्म का जो है बहुत अधिक प्रभाव रहा था आलर देव चौहान के ऊपर। उसके बाद जो इनका बेटा कीर्तिपाल चौहान जो कि जालौर में जाकर जो है चौहान वंश की नींव रखता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइन जो कि आपको नाडोल के चौहान के बारे में याद रखनी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम। थैंक यू।